हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने इतिहास में कभी भी गुलाम नहीं हुआ, और वहाँ की सुंदर वादियाँ देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल अपनी वादियों के लिए, अपने पहाड़ों, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की वादियों, झरनों और प्रकृति को देखकर हर कोई इसका मोहित हो जाता है। लेकिन नेपाल जितना खूबसूरत है उतना डरावना भी है। तो आज हम नेपाल की पांच ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जिस जगह जाना तो दूर, उस तरफ मुंह करके भी लोग सोना पसंद नहीं करते। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर चढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। चोटी पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों में से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सफल हो पाते हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति था जिसने पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि वह आदमी आज भी उन लोगों को नजर आते हैं जो इस पर चढ़ाई करते हैं। वह उन लोगों की मदद करने और प्रोत्साहित करने आता है। कुछ लोग कहते हैं वह नजर भी आता है, हालांकि इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। सुंदरी जल बैंक। नेपाल का यह काफी प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि यहाँ से काठमांडू के प्रमुख हिस्सों में पानी की आपूर्ति की जाती है। लेकिन इस जगह को लेकर कई लोगों का दावा है कि यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कहते हैं अगर इस स्थान पर कोई तैराकी करने भी आए तो उसकी जान चली जाती है। हालांकि इन कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से कोई सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि इस तालाब पर किसी बुरी शक्ति का साया है जो बलि मांगती है। और वैसे भी इस तालाब में तैराकी करने से अच्छा घर पर नहाना ही ठीक है। चितवन में देवी घाट। नेपाल में यह स्थान हिंदुओं की संस्कृति और धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है। जुलाई 2009 में पुलिस को इस क्षेत्र में एक व्यक्ति की खोपड़ी मिली थी। इसके बाद इस क्षेत्र का नाम भी नेपाल के प्रतिबंधित स्थानों की सूची में दर्ज कर लिया गया। इस स्थान को लेकर लोगों का दावा है कि रात के समय यहाँ पर कुछ महिलाएं नाचती हुई दिखाई देती है, जो एक बेहद ही खौफनाक दिखाई देता है। यहाँ पर पूरी रात चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और इससे आसपास के लोग बहुत ही भयभीत रहते हैं। हालांकि इस स्थान को धर्म केंद्र के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर का आर्यघाट। इस स्थान को नेपाल के प्रतिबंधित स्थानों में से एक माना जाता है। इस जगह को शव जलाने के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। इस स्थान को लेकर दावा है कि यहाँ पर लोगों की भयंकर चीखें और पुकार सुनाई देती है। यही वजह है कि इस स्थान पर लोग दिन में भी अकेले जाने से कतराते हैं। रानीवन। रानीवन काफ़ी खूबसूरत जंगल है। यूँ तो यहाँ दिन में काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन रात के समय यहाँ पर भूले से भी कोई नहीं जाता। इस जंगल को नेपाल के प्रतिबंधित स्थानों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि रात को इस जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन अगर उसके पास जाने की कोई कोशिश करता है तो वह आवाज़ बंद हो जाती है और वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके पीछे कहा जाता है कि यहाँ एक लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्यारे को घटना के दो दिन बाद इस जंगल के एक पेड़ पर लटका पाया, लेकिन ऐसा काम करने वालों को इससे भी पूरी सजा मिलनी चाहिए।